प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पतंजलि योग के केंद्रीय प्रभारी जयदीप आर्या के घर उनकी माता के निधन पर शोक जताने पहुंचे। उसके बाद वह पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता के निवास पर पहुंचे और मीडिया से बातचीत में पंजाब की बादल सरकार व पूर्व की कांग्रेस सरकार पर SYL मामले को लेकर जमकर निशाना साधा। वहीं विज ने कहा कि यह SYL का मामला कांग्रेस सरकार में रहे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का करा धरा है। वहीं अब पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है। देखिए, अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस सारी बातों का संज्ञान लिया है और पंजाब में जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और ये सिलसिला काफ़ी पहले से शुरू हुआ हुआ है, 10-11 साल पहले से, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सारी संवैधानिक नियमों को ताक पर रखकर एक यूनिलेटरल विधेयक पारित कर दिया था कि जो हमारे और पंजाब के जितने भी समझौते हुए हैं उसको रद्द किया जाता है। और अब उसी कड़ी में चलते हुए जो प्रकाश सिंह बादल जी की जो सरकार है, इन्होंने पारित कर दी है कि सारे, और वो उससे भी आगे गए, अभी उन्होंने बिल पारित किया कि डी नोटिफाई कर दिया जाए जो लैंड खरीदी गई है, और फिर अभी वो कानून नहीं बना, महामहिम राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए और जाकर उसको भरना शुरू कर दिया, और उसको उन्होंने कहा कि किसान कब्जा कर लें। अब ज़मीन तो हमारी है, हमने पैसे दिए हुए हैं उसके, वो पंजाब की तो नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का 2002 का फैसला हमारे पक्ष में आया हुआ है। करनाल से अजार टीवी न्यूज के लिए विजय कंबोज की रिपोर्ट।